गुड मॉर्निंग। आज तो शो भी नहीं है। क्या मैं चाय पी रहा हूँ? हाँ दूध। पहले पहले गुस्सा करो, तो पहले गुस्सा करो, गुस्सा करियो। ऐसे करो, ऐसे गुस्सा करो। गिब्बू के आ चुका हूँ मैं। दिल से पूछ ले, जहां से पूछ ले, जहां से पूछ ले। कहाँ गए? तुम पे है सिर्फ मेरा हक। गिब्बू गए? गिब्बू आई लव यू सयोनी, आई लव यू। अच्छा याली पी के देख, तूने कितने डाल दिए उसमें, अब तू भी ले उसको। ज्यादा कॉफी डल गई है एक पाउच किसी। निक्कू को लगता है कि मेरी जरूरत लंदन में है। निक्कू को लगता है कि मैं यहाँ इंडिया के लिए नहीं मरा हूँ, मुझे मेरी जरूरत लंदन में है। गुड्डू ने बोला। अरे भाई साहब। तो अब हम लोग जिम के लिए निकलते हैं। दिन हो जाता है तब तो हम लोग जिम जाते हैं। बताओ ये देखो, जिम नहीं जा पा रहे हैं ये हरामखोर। आज हमारे पिक्कू है जिम जा रहे हैं वापसी। हमारी स्कूटी हत्या ली इन्होंने। हरामखोर। रियल रीजन बता दूं। अब हम आज चलाएंगे पिक्कू भैया की बाइक। बहुत मुश्किल से आज का वर्कआउट निपट पाया है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। गिराया क्यों तूने? गिराएगी अब पागल? एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, एक बात बताऊं तुझे, एक बात बताऊं, एक बात बताऊं। तूने हमें बहुत परेशान कर दिया। ओए तेरे को मेरी मूंछ कैसी लग रही है? ये वाली ये मूंछ कैसी लग रही है? ये वाली गंदी है। कैसी गंदी? गंदी है ये मूंछ। किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? मेरे बिकान सर भी मेरे बाल जरा इन बोलो ना कि वो बस रवान को सुन की बिकिया वो बस रू सासु तो सीछो मान जाना।
सोचा चाय पी ली जाए इसके साथ थोड़ी सी। कभी कभार फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, कभी कभार करना चाहिए ये सब। इट्स टोटली ओके। राम भरोसे की मूछों को अलविदा कहते हुए अब मैं जा रहा हूँ वहां जहां कल किसी ने प्ले की रिकॉर्डिंग्स रखी है अपने पास हमारी, उन्होंने तो उनके यहाँ जाएंगे वो रिकॉर्डिंग्स लेंगे। नदी का किनारा चंचल यादें। स्वागत है आपका बहुत 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 बढ़िया तो होते हैं। अरे बढ़िया था। हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छे होते हो। हाँ गरम छोले भटूरे, छोले भटूरे, पिज्जा, पिज्जा, डोसा, डोसा, इडली, डोसा, ठीक है, छोले भटूरे, डोसा, इडली और क्या बोला, पिज्जा, पिज्जा, गोलगप्पे, गोलगप्पे नहीं, टिक्की, टिक्की नहीं, दही भल्ले, दही भल्ले नहीं, कटलेट्स, कटलेट्स जो उस दिन बनाए थे। हाँ बट तू खा नहीं पाएगा। एंड सैंडविचेस यू हैव ऑलरेडी ईटन, तो वो मैं लिस्ट में नहीं डाल रही क्योंकि तूने खा चुका है ना वो। और क्या 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 बनाती थी मैं, क्या बनाती थी? डोसा मुझे सबसे सही लगता है। डोसा ओके, डोसा टफ हो जाएगा तेरे लिए? नहीं इजी है, ये तो डोसा बना देना मेरे लिए। अपनी शादी में ही नहीं किया कुछ डिफरेंट तो क्या फायदा, दूसरों की शादी में कर लियो। अपनी में करना है मेरे को नहीं। जाऊंगी मैं शादी में जूते पहन के आऊंगी, लहंगे के नीचे देखूंगी पीकू का स्टाइल, बात जाऊंगी दोनों के दोनों। तो ऐसे बोलना कि फॉलो कर देना, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बोल दो फिर। हाँ तो आप कुछ बोल रहे थे भाई। मैं कह रहा था कि सागर रावत जी जो नया चैनल लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, बधाइयां भाई। इनके चैनल को फॉलो कर दीजिए आप, जीवन में कुछ करिए मत करिए पर इनके चैनल को फॉलो करिए तो आपका जीवन सफल है, नहीं तो बेकार ही जी रहे हैं आप। और इनको भी फॉलो कर देना, मेरे को भी फॉलो कर दो भाई, ठीक है फॉलो। हो गया जी प्रमोशन, तुम्हारे सब्सक्राइबर दोनों चलो फिर मैं चल रहा हूँ, इट्स टाइम ओके। कल सागर तू बना रोटी आज। चलिए भाई यहाँ का काम निपटा, चलते हैं घर। घर तो नहीं जाना है वैसे, एक यूजीसी एड शूट करना है। आने वाले हैं आपकी ओर ब्लूपर्स। तो मैं प्रदीप भास्कर भारती जी के घर पर हूँ अभी, मेरे सीनियर। उन्हीं के यहाँ दो एक्टर जो मैंने जिनसे कल परिचय करवाया जो बाहर से आए हैं, उनके साथ मैं एक यूजीसी शूट कर रहा हूँ। मैंने कहा जब मेरे पास इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं तो मौका क्यों गवाया जाए। तो रात्रि का समय है, हम गिब्बू के घर पे उसके हॉल में ये शूट करेंगे। चलिए उनसे मिलते हैं। सर एक एड शूट करना है सर। यस यस प्लीज आपके साथ सर, प्लीज आइए प्लीज आइए प्लीज आइए। झा साहब कहाँ हैं सर? झा सर अंदर बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं आप, प्लीज। इज ही स्लीपिंग? ही इज नॉट स्लीपिंग, ही इज अवेक। ही इज अवेक या झा साहब? यस योर फैन इज हियर। ओ माय गॉड हाउ आर यू? आप इसी मोड पे रहते हैं हमेशा? ऑलवेज ऑलवेज आई एम अ व्लॉगर नाउ। मामला ये है कि लड़का भक्ता हुआ था, उसकी सांस फूली होती है बिल्कुल, और दरवाजा एकदम से बंद करता है और कुंडिया मारने लगता है दरवाजे पे, ये भैंस की
कोई आ ना जाए ओके उसकी सांस फूल रही है पीछे मुड़ता है तो जिससे भाग रहा था वो सोफे पे बैठा हुआ है साउथ इंडियन स्टाइल हमारे मोहल्ले में एक लड़का था अर्जुन नाम है उसका ठीक है अर्जुन हकला हमारे मोहल्ले में था ठीक है तो वो ऐसा वैसा हकला नहीं था संजय दत्त का फैन था वो काला कुर्ता चेन चून पहन के बाल पीछे खींच के रखता था और देखा था गुंडा था वो और बड़ा भैया था वो हमारा मतलब जिसको बड़ा भैया कहते हैं समझ ही कौन था तो हम खेलते थे बहुत ज्यादा कंचे उस टाइम पे भास्कर और वो पता कैसा था उसके ना ताने बहुत तगड़े थे जिसको कहते हैं ना निशाने बहुत तगड़े तो क्या हुआ कि वो आ गया हमारे साथ कंचे खेलने उस दिन पहली बार हमारे फील्ड में और कंचे के मास्टर हुआ करते थे सारे के सारे और मैं और एक गुड्डू करके एक लड़का है मोहल्ले में हम बड़ी मुश्किल से कंचे जुटाते थे इधर उधर से गुड्डू फिर भी थोड़ा ठीक खेल लेते थे मैं तो बिल्कुल नहीं खेलता था तो जिस दिन अर्जुन हकला मोहल्ले में आया उस सबकी कंचियां बटोर गया हम दो बजे थे रात को अंधेरा होने वाला था मम्मी घर से आवाज लगा रही थी कि बेटा पीकू अरे उठा लग जा रहा बंद हो जा रहा वीडियो फिर करा तो मम्मी घर से आवाज लगा रही थी कि बेटा आजा आजा बहुत देर हो गई गाली और आखिर में अगले ने बोला कि फाइनल है आखिर में बोला कि ये फाइनल है हरा दोगे तो सारी गोटी ले जाना तो हमने कहा ठीक है अपने पास एक एक कंचे बचे थे हमारा जो होता था ना एक मेन अंठा होता था अपने पास बड़ा वाला जिसको हम बचा के रखते थे किसी को किसी हारते नहीं थे उसको इज्जत थी वो इज्जत की डरते थे कि ये वाला कंचा ना हार जाए कहीं तो बंटा भी जिसको बोलते हैं वो भी बेचारा वो हमारे से छीन के ले गया था अब उसके पास पूरी थैली भरी पड़ी थी पूरे मोहल्ले के बच्चों के कंचे उसके थैले में थे और उसने फाइनल शर्त लगा दी हमारे साथ की जीते तो सब ले जाओ ठीक है तो उसने बोला कि फाइनल है खेलो और ले जाओ तो क्या हुआ कि नहीं 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 तू बैठो यार सुनो सही तो हुआ क्या कि होता क्या है कि जब भी कंचा खेलते हैं ना तो एक तो होता है जिससे हिट करते हैं एक होती है जिसको हिट करते हैं और एक होता है पिल गड्ढा जिसमें डालनी पड़ती होती तो अगर तुमने जिसको मतलब हिट किया उसको कहते हैं चोट पहले मार रहा हूं मैं फिर पिल करूंगा चोट मारी अगर गोटी पे तो पिल करना पड़ेगा बाद में तब जाके वो गोटी ले जा सकते हो तो अगर पहले चोट मारने वाले हो तो बोलना पड़ता है कि कॉल देनी पड़ती है चोट पिल है ना और अगर आपकी कंची आगे है पिल बाद में आपको लग रहा है खतरा कि भाई टकर के पिल लेना चले जाए तो आप बोल देते हो पिल चोट कि पहले पिल्ला कर लेता हूं फिर तो पास ही है मार लूंगा समझ लो इधर से खेल रहा था वो है ना उसने बोला कि पिल चोट और कंचा जिसको हिट करना था वो बीच में था और गड्ढा आगे था समझ रहे हो सिनेरियो पूरा तो उसने बोलता पिल चोट तो जब हम ऐसे करते हैं ना कि बीच में कंची होती है और आगे गड्ढा होता है हम चाहते हैं कि उछाल के मारे थोड़ा कि बीच वाली कंची को ना लग जाए और सीधा पिल में चली जाए ठीक है तो उसका उसने यूं करके मारा जीभ काटता था वो दोनों दांतों तले जीभ दबाता था उछाल के मारना चाह रहा था पता नहीं उसकी उंगली फिसल गई तो गोटी को जाके लग गई कंची और कुछ अजीब सी फिसली गोटी की होता है ना कभी कभी गुर्रा लग जाता है तो वो बहुत जोर जोर से घूम रही है गोटी घूमते 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 और पिल्ले में चली गई और पिल्ले में घूम रही है वो बहुत जोर से मतलब बवंडर बनी हुई है बिल्कुल तो उसने कॉल दी थी कि पिल चोट करूंगा और हो गया चोट पहले लग गई पिल्ला होने वाला है गोटी घूम रही है और गुड्डू और मैं ऐसे खड़े कि भाई घुस जाए या बाहर ना निकले ठीक है और उसको समझ में आ गया कि अब तो सारी कंची हार जाऊंगा तो उसने दोनों के कॉलर पकड़े हमारे और बोले चू चोट पिल नहीं बोल पाया अबे यार अरे यार क्या बात हो गई चो 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 चोट पिल नहीं बोल क्या हुआ कि हम मुंबई में थे शशांक मैं और महेश दादा ठीक है तीनों लोग सुनते हाँ तो हरी मटर मंगाई थी इससे
हरी मटर नहीं, नमकीन वाली, जो हरी मटर वाली नमकीन आती ना, चटनी वाली जो थी, कर्च कर्च। हाँ, कर्च कर्च। तो मैंने कहा सजान भाई हरी मटर तू ले आया, ठीक है, मैं बहुत सामान ले आया, मैंने ये देख ले थैली वाली, मैंने कहा देख ले भाई इतना सारा सामान मैं ले आया, हरी मटर तो खिलानी है। तो ठीक है, उस टाइम पे दादा अगला तू है ना, तो दुकान पे गया, तो दुकान पे मुल्ला जी रहते थे, उनसे काफी अच्छी जान पहचान हो गई थी, बताते थे टोन्ना को भेज दिया कि सजान जा और हरी मटर लेके आ जाए। तो दुकान पे जैसे ये पहुंचा तो शाम का समय था और मुल्ला जी के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो पहले तो सजान का नंबर नहीं आया, जैसे ही नंबर आया तो उसने बोला अंकल अटक गया, इसके हरी मटर नहीं निकला। और ये करता क्या था, जब इसके कोई वर्ड निकलता नहीं था ना मुंह से, जैसे इसको पेन बोलना है ना तो ये झटका मारता था कि अंकल पेन दे दो तो निकल जाता था। तो जब दुकान खाली हो गई, मुल्ला जी भी खड़े हैं, तो इन्होंने कहा कि इस बार बोल दूंगा, अंकल हरी मटर दे दो, और इतने में पीछे से बुलेट गुजर गई। तो मुल्ला जी ने बोला है बोला दो घंटे के मूंग दाल दे दो पुकारे ऐसे अमर पुकारे को द्वार में यार क्या क्या चला दिया है मेरा जी गणेशा श्री अंडे पड़ रहे तो कबूतर क्या मतलब पालतू या फिर हाउस नहीं क्या अब ऐसे किसी के रैंडम कबूतर बाउंड्री पालतू नहीं हुआ तेरी पहली साथ काले सूट वाले लौटा तो सीनियर है जो एकेडमी खा जिनकी ऑलरेडी तो थी वो साथ मतलब फैकल्टी है जिनका है ना एकेडमी के स्टूडेंट तो कहते हैं सुबह तो मैं कुछ और क्लास ला लूंगा फिर मैं सीखना ही नहीं है जबरदस्ती क्या है। तो भाई लोकेशन पे हम लोग पहुंच गए, आज का लोकेशन हमारा ये है कि बू का घर आपकी लाइन है भाई, मुझे माफ कर दे भाई मतलब हाँ बेटा मैंने तुझसे कहा था ना मुझसे बच के बाहर नहीं पाएगा भाई भाई मुझे माफ कर दे, ये छाता मैंने क्या कहा था बेटा 82 एक्शन और कुछ दिन पहले आपने ब्लॉग में देखा होगा लवी दिल्ली जा रहा था, जस्ट अभी अभी वापस आया है, कह रहा है तू इतना चिकना क्यों गया। लवी वापस आ गया है, मेरा एड शूट हो चुका है, आराम से घर पे खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। Good night. If you find the wine, you should never